सुस्वागत दर्शक बंधु यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन आपण को हार्दिक स्वागत ज्ञापन करूछ। दर्शक बंधु यही वीडियो रे रही शिक्षक और शिक्षयित्री मान सकाशे गंगाधर जयंती अभिभाषण यटा को खूब सहज सरल और मनछुआ भाषा प्रस्तुत करें। आशा करूँ गंगाधर जयंती अवसर में गोटे सुंदर भाषण प्रदान पर उपयोगी सब्यस्त हो पार। वीडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण को आम एकांत अनुरोध ये वीडियोटी यदि आपण को मन को पाए निश्चित भाव लाइक करें नुआ ही आम चैनल को देखुले सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलिबा नाही। ताहले आउ काल विलंबन कर आरंभ करवा देखिबा गंगाधर जयंती अभिभाषण यही वीडियोटी। बरेण्य मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय प्रधानाचार्य, मोर सहकर्मी शिक्षक और शिक्षयित्रीगण, अभ्यागत अतिथिवृंद तथा मोर अति आदरर छात्र और छात्रीगण, पवित्र रक्षाबंधन और ओडिया साहित्यर जड़े सुदक्ष शिल्पी स्वभावकवि रंगाजीव गंगाधर पुण्य जयंती अवसर में समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन और अनेक अनेक शुभेच्छा। पिला माने ओडिया साहित्य जगत रे कवि रंगाजीव गंगाधर एक अमलिन विरल प्रतिभा तांको परी जड़े महान काव्य शिल्पी को पाई तांको जन्म माटी बरपाली सर्वोपरि ए ओडिशा माटी धन्य हो गोटिए पटे तांको जीवन कहानी और अन्य पटे तांको कांतक मनीय उत्कर्ष सृष्टि समस्त पर्यालोचना कले जे के ही होना कहीं आश्चर्य अभिभूत हवा सह एक आनंदर अतिशय उत्फुल्लित हवा स्वाभाविक। 1862 मसीहा अगस्ट 9 तारीख तथा श्रावण पूर्णिमार पावन अवसर में स्वभावकवि रंगाजीव गंगाधर जन्म होता अविभक्त संबलपुर जिला तथा अधुनातन बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम रे एक तंतवाय परिवार रे। श्री चैतन्य स्वभावकवि गंगाधर पिता थिले माँ का नाम थिला श्रीमती सेवती। एक सत जे जन्म समय गंगाधर डारे सेपरी कौन सी विशेष लक्षण नथिला मात्र तुलसी द्विपत्र बासिया परी धीरे धीरे बयसर बुद्धि संगे संगे पाखे रही आसी प्रतिभा विकसित होगा आरंभ कला। कवि गंगाधर पिलादिन ही खूब शांत शिष्ट सरल और मिष्ट भाषी थे। खूब सका पितांको सह श्रावणी कार्य समापन करी से प्रत्यह जगन्नाथ दर्शन करुथिले परे परे किछि समय भक्त मान गहन भजन और कीर्तन मनोनिवेश करुथिले। भक्त मान कंठरु भजन और कीर्तन सुर लहरी तांकु एक अद्भुत आनंद उल्लसित करुथिला। शुणा जाए कौन से संगीत रागिणी थरे तांकर कान रे बाजिले ता बहु समय धरी तांको कर्णजुगल प्रतिध्वनित होता। बरपालीर प्राकृतिक सौंदर्य भरा परेष्टनी स्वभावकवि गंगाधर पाइला प्रकृत शिक्षानुष्ठान तेबे से काल प्रथानुसारे से चाटशाड़ी प्रवेश करी सिद्धिरस्तु आरंभ कर रास पंचाध्याय पढ़ी किंतु दुर्भाग्यवशतः चाटशाड़ी भांगीगला। कवि गंगाधर पिता तत्वधान नामरत्न गीता अध्ययन समाप्त करी परे आउ किसी सहपाठी मेलरे मथुरा मंगल ओ भागवत आदि को मध्य सुचारू रूपे शेष करी थी। 1875 मसीह कवि गंगाधर आनुष्ठानिक शिक्षा लाभ पाई विद्यालय रे प्रवेश करी नियमानुसार से प्रथम श्रेणी नाम लिखाई परे 6 मास काल से अध्ययन करी द्वितीय श्रेणी को उत्तीर्ण होते किंतु परितापर विषय यही विद्यालय पढ़ुवा समय कवि गंगाधर को बापा को बयन कार्य सहयोग करने को पड़ा। तांको पिता श्री चैतन्य शिक्षकों ठार अनुमति नहीं गोटे बेला विद्यालय को पठाऊ एवं उपर बेला से बापा को बुणाबुणी कार्य साहय करुले उल्लेख करपे जे खूब निष्ठार सह से बुणाबुणी कार्य संपादन करुले तंतचाड़ना समय भागवत मथुरा मंगल आदि सुललित पदावली गान कर परेश को मुखरित कर रखुले। पे
से समय प्रथा अनुसार मात्र 10 वर्ष बयस रेमुंडा ग्रामर शांतनामनी एक कन्या सह विवाह संपादित होता। 1878 मसीह प्राय 17 वर्ष बयस गृह संसार आरंभ होता। एक दयनीय परिस्थिति रे गृह परिचालन दायित्व बा भार बहन करबाकु पड़िवारु एक कठोर अग्नि परीक्षा। विद्यालय अध्ययन काल रे से एते मात्रा रे दारिद्र कसागत सहय कर सारिथिले जे ताकु सहय करबा आउ तांको पई दुरह नथिला। बरम से जीवन रे निजर इच्छा को संयम करिवारे अल्परे संतुष्ट होवारे एवं सूक्ष्म आनंद लाभ करिवारे अभ्यस्त होई सारिथिले। एसबू अनुभूति दारिद्र्य प्रति घृणा भाव गंगाधर मन में जन्म ना बर एक निराड़ंबर और सरल जीवन को बरण करने प्रेरणा तांको अहरह प्रेरित कर रखुला। पिलाई शुणिले खूब दुख लगे जे आर्थिक अनाटन जो मात्र पंचम श्रेणी पर गंगाधर पाठपढ़ डोरी बंधा है किंतु तांकटी ज्ञान लाभ करार अदम्य पिपासा जहाँफल से गभीर अध्यवसाय सह प्रचेष्टा करे एवं मातृभाषा व्यतीत निज मातृभाषा ओडिया व्यतीत से संस्कृत एपरिक इंग्रजी भाषा मध्य दक्षता हासिल करिपारिथिले। पिलाए कवि गंगाधर थिले प्रचंड धीशक्ति और अनन्य प्रतिभा अधिकारी मात्र पंचम श्रेणी पर्यंत आनुष्ठानिक शिक्षा लाभ करी स्वकीय साधना बल से एक असाधारण प्रतिभा अधिकारी होइपारिथिले। ओडिशा और ओडिया साहित्य एक गभीर संकट मध्य गति करुवा बेले समृद्ध करने लगे पज्र शपथ नहीं कवि गंगाधर खंडीए पर खंडीए पुस्तक रचना करी ओडिया साहित्य को रुद्धवंत करते जहाँ लगे वास्तव में से धन्यवाद पात्र अटंती। गंगाधर साहित्य पर्यालोचनार जना जाए जे कवि गंगाधर थे प्रकृतिर परम पूजारी कवितार छत्रे छत्रे प्रकृति जीवंत और स्फूर्तिमयी। तांको कवितारे प्रकृति केवे भी निर्जीव और निष्प्राण नुह बरं जीवंत और मानव सदृश संवेदनशील कविंक तपस्वी काव्य यार निछक उदाहरण। गोटे उदाहरण नहीं आम यह सहजरे बुझिपर उदाहरण स्वरूप मंगले ओलाउसा बिकच राजीवदृषा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवी निहार मुक्ता धरी उपहार सतीक बास बाहर प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहला दर्शन दिय सती राति पहिला दर्शन दिय सती राति पहिला। पिलाए मु आगर कही सारी ओडिया भाषा को तथा ओडिशा को बचाई कवि गंगाधर जारी रखी अनबद्य प्रचेषा अन्य अर्थर ए देश ए जाति और आम भाषा प्रति कवि ठार्ला एक अनन्य प्रेमर स्वच्छ शैल धारा से तो कवि उदात्त कंठरे गाई उच्च हेपाई कर जेब आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा उच्च कर आगे निज मातृभाषा पुनश्च से कहते जाभाषा दुर्बला से निश्चय अधम काहू हेब आन प्रतिजोगी क्षम काहू हेब आन प्रतिजोगी क्षम। पिलाई प्रकृति प्रेम और देशप्रेम व्यतीत गंगाधर साहित्यर आउ एक दिग है विभु प्रेम बा भगवत प्रेम। कवि बेस जानते ए विश्व जहाँ कि विद्यमान सबू से मंगलमय करुणा निधान ईश्वर अवदान एटी निजर बोली किसी ना निजर बोली एटी जदि कि थाए ताहले से ही है मृत्व जहाँ को नहीं मनीष सबुबले गर्व और अहमिकारी बुड़ी रही एणु कवि मृत्व को परिहार कर एक महामुक्त जीवन जीवा को चाहती। उदात्त कंठरे मुक्त कंठरे कवि तेणु गाँती मुकार मातर मोर नुहे बोली कहिबाकु नहीं बाट मुकार मातर मोर नुहे बोली कहिबाकु नहीं बाट दुरु श्रीचरणे अर्पण करुची घनता विश्व सम्राट घनता विश्व सम्राट। पिलाई गंगाधर साहित्य प्रकृति प्रेम विभु प्रेम और देश प्रेम त्रिवेणी संगम यह तो निश्चित मात्र केवल एति नुह कवि गंगाधर थिले निराट वास्तववादी जीवन रे दया क्षमा उदारता परी सुगुणर मूल्यबोध को से बेस बुझीते। उदाहरण स्वरूप कवि गंगाधर जानते जे परिश्रम बिना जीवन गति ना परिश्रम ही मनुष्य को सफलतार शीर्ष पहुँचाए
आलस्य सर्वदा ए मनुष्य पाई परित्यज्य अटे। कविंक भाषा रे सुप्त सिंह मुखे न पसे आहार, सुप्त सिंह मुखे न पसे आहार, श्रमे पिपिलिका पुराए भंडार, श्रमे पिपिलिका पुराए भंडार। पिलाए मु तुमको आगर कही सारी कवि गंगाधर थिले अनन्य प्रतिभार अधिकारी, तांको समसामयिक गाल्पिक तथा औपन्यासिक व्यासकवि फकीर मोहन कवि गंगाधर संपर्क में लेखती, बरपाली देशे अछि गंगाधर मेहर, ताहरी कविता पढ़ी अछि ढेर ढेर, कविता गुड़िक पढ़ी मन मानि जाए, आउ से लेखिब बोली चाहि थाए, आउ से लेखिब बोली बाट चाहि थाए। पिलाए सीमित समय कलेवर भितर गंगाधर साहित्यर पर्यालोचना करने एत संभवपर नुह, तेणु मु वक्तृता को दीर्घ करने को चाहूना। परिशेष मोर वक्तव्य शेष करने पूर्व मुक कह चाहिए जे कवि गंगाधर केवल ओडिशार कवि नुहति, केवल ये माटीर कवि नुहति, बर समग्र विश्व दरबार में स्थानित होवाई तांकर एक सुदृढ़ योग्यता रही यहा निसंदेह। दर्शक बंधु आमर ये भिडियोर एटी परिसमाप्ति, भिडियोटी जदि आपन को भल लगी थाए निश्चित भाव लाइक करेंगे एवं नुआ ही आम चैनल को देखुले सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भूलना नहीं। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद।